टू माई न्यू ब्लॉग। हम जा रहे थे गोरखपुर के लिए शैलेश भाई के साथ इनके घर से, लेकिन रास्ते में हमें एक बहुत ही अच्छा सा लोकेशन दिखाई दिया। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा गेट बना हुआ है, तो हम सोचे क्यों ना यहाँ का एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं और इसको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे और कैसा है। काफ़ी प्यारा व्यू है इसका, हम देखते ही रुक गए, काफ़ी आगे चले गए थे फिर वापस आए कि नहीं इसका एक ब्लॉग करते हैं। फिर आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर नदी है। कौन सी नदी है ये? राप्ती नदी है ये, और इधर एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर हम लोग आधा ब्रिज जा चुके थे, फिर वहाँ से वापस आए कि नहीं इस व्यू का हम एक ब्लॉग बना लेते हैं। इधर राप्ती नदी है, घाट है, और पूरा ओल्ड टाइप का ही था जैसे राजा महाराजा के ज़माने में हुआ करता था। और नीचे मंदिर है और घाट है, और इधर एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और मंदिर के पास अक्सर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ होता ही है। और हमें लग रहा है शिव जी का मंदिर है क्योंकि ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ है। सबसे पहले उधर से एंट्री थी, इधर आने के बाद एक इधर मंदिर और एक इधर मंदिर, और इधर देखिए कितना प्यारा सा घाट बना हुआ है। और देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है ना, अमेजिंग जगह। तो ऐसी खूबसूरत जगहों को देख के कौन नहीं आना चाहेगा, कौन नहीं रुकना चाहेगा। राप्ती नदी का यह घाट है, उस साइड में शमशान घाट है। कुछ चिताएं जल रही हैं, कैमरे में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उधर कुछ चिताएं चल रही हैं। और उधर आइए दिखाते हैं, मंदिर में भी आपको लेके चलते हैं। महादेव है, महादेव जी हैं और माता रानी हैं। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, मन मोह लेने वाला नज़ारा है, इतना प्यारा सा नज़ारा। अगर ऐसे जगहों पे आ जाइए ना तो मन खुश हो जाता है और एक अलग टाइप की सुकून मिलती है। दृश्य देखने लायक, आप देख सकते हैं सुकून शांति और महसूस। बगल में राप्ती नदी और गोरखपुर का यह दृश्य, आपको कैसा लगा आप लोग एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। अगर कमेंट करेंगे तभी हम भी जानेंगे कि हाँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और यह लोकेशन कैसा लगा। इतना प्यारा व्यू, सबसे खूबसूरत ये देखिए, पत्थरों की शिलाओं को काट काट के बनाया गया, इतना प्यारा गोरखपुर में योगी जी के शहर में इतना बढ़िया बढ़िया काम किया गया है। काफ़ी खुशी से दिल खुश हो जाता है, आप इसको देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया, नक्काशी किया गया है। और गोरखपुर में हमारे अगर इतना अच्छा जगह है तो आप लोग भी आइए देखने के लिए, घूमने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आ सकते हैं। कैसे आना है अगर वो जानना है, ये कौन सा जगह है भाई, जगह कौन सा है ये? अच्छा पूछते हैं भाई साहब से कौन सा जगह है, आपको भी बता देते हैं। हाँ आप लोग यहीं के भैया, तो बता सकते हैं ये लोकेशन कौन सा है, जगह कौन सा है? राजघाट। राजघाट कौन सा रोड है ये? राजघाट का कौन सा रोड है भाई? ये रोड कौन सा है आपका? नौसड़ ब्रिज है ये, नौसड़ ब्रिज। हाँ तो बता रहे हैं भाई साहब कि गोरखपुर से नौसड़ ब्रिज के लिए, जो नौसड़ के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे राजघाट है, इसी राजघाट के पास ये ब्रिज है और ये लोकेशन है। तो अगर आप आना चाहें तो गोरखपुर से कितना दूर पड़ेगा ये? गोरखपुर में ही है। कितना दूर शहर से? जंक्शन से ही आपका पड़ेगा 7-8 किलोमीटर। हाँ गोरखपुर जंक्शन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पे राजघाट। अगर आपको लगे कि ऐसे जगह पे घूमने जाना चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं और घूम सकते हैं। प्यारा से व्यू है, फोटोज़ क्लिक करने हो, रील्स बनाने हो या कैसा लगा ये देखिए कितना प्यारा लोकेशन है। मन खुश हो जाता है भाई साहब ऐसे लोकेशंस पे आके। सच कहूँ तो गोरखपुर में आने के बाद हम लोग कल उतना घूमे लेकिन आज ये वाला जगह मुझे काफ़ी पसंद आया। वो हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं, और ये हिस्टोरिकल तो नहीं है बट हिस्टोरिकल चीज़ों से रिलेटेड है बना, तो हमें लग रहा है कुछ ही साल का बना होगा। एक खास बात, हाँ। ये पूरा आपका जब बाढ़ आता तो डूब जाता है ये सब, हाँ। लेकिन वो शंकर जी का जो मंदिर है कभी डूबता नहीं। अच्छा वो मंदिर, अच्छा उस साइड से जाके मंदिर तक तो जा सकते हैं ना? जा सकते हैं लेकिन आपको उसी रास्ते होके जाना, शायद टिकट लगता है क्या अंदर जाने का, वो लास्ट घर है ना, पता नहीं आइडिया नहीं। नहीं नहीं इधर इधर का अलग होगा मंदिर के लिए, पूरा पूरा पोर्शन एक ही है वो, हाँ वहीं से होती है जो मंदिर। उतना प्यारा शंकर जी का मंदिर है भाई, तो शिव जी का चलिए कोशिश करते हैं, अगर शंकर जी तक जाने को मिलता है कोशिश करते हैं, जा सकते हैं वहाँ से जाना पड़ेगा। तो मंदिर तो जा ही सकते हैं, मंदिर चला जाएगा थोड़ा दर्शन किया जाएगा, उतना प्यारा सा है, थोड़ा फोटोज वोटोज क्लिक करेंगे।
देखिए यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है कि पानी का जल स्तर जब बढ़ता होगा तो इससे नापा जाता होगा कि कितने हाइट तक पानी आ चुका है। पूरा यहाँ पे मीटर बनाया हुआ है और उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ऊपर तक पानी आता है कि नहीं भाई, ऊपर तक पूरा डूब जाता है ये। हाँ अच्छा, भाई से बता रहे कि इधर तक पानी आ जाता है जब बाढ़ आता है तो अच्छा है। राप्ती नदी पे बना हुआ नौसड़ के रास्ते में राजघाट यह काफी हमें सुंदर लगा। आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए। और गोरखपुर के लोग हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग यहाँ पर राजघाट का मुक्ति पथ है। अच्छा मुक्ति पथ है, तो अगर आप लोग गोरखपुर से हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए थे या नहीं आए थे, इस लोकेशन को जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा यह व्यू जरूर एक बार कमेंट करिए बताइए। हमें यहाँ आके काफ़ी खुशी हो रही है और यहाँ का दृश्य मुझे एकदम मनमोहित कर रहा है और भक्ति की आस्था की झलक यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं इस साइड में कितना बढ़िया बनाया गया है दृश्य, भाई देख सकते हैं कितना बढ़िया जगह बनाया गया घूमने के लिए, टहलने के लिए, फिरने के लिए और मन को शांत रखने के लिए, सुकून देने के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक ये जो बनाया गया है रास्ता है, एकदम प्यारा सा व्यू, अमेजिंग व्यू है, दिल खुश हो जाता है ऐसे जगहों पे आने के बाद। अब